अपने पैर में, कुछ तो कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपको मेरे एक नए ब्लॉग में। मेरा काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली मैं घर से दिल्ली आ गया क्योंकि मेरे को एक नई जगह जॉब लगी है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को दिल्ली आना पड़ा। और मैं दिल्ली आके टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा रोज़ ड्यूटी होता है, और आज मेरा छुट्टी है, तो आज सोचा एक नया वीडियो बना लूँ। और आज हमारे यहाँ पे सूरजकुंड एक जगह है जहाँ पे मेला होता है, तो आज मेले में जाएंगे घूमने। और फिलहाल मैं घर पे हूँ, तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट हो गया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने। टाइम हो रहा है 10 बज चुकी है, और अभी फ़िलहाल काम तो है, बहुत सारे कपड़े धुलाई करने हैं, शूज़ गंदे हो रखे हैं, शूज़ धोने हैं, तो उनको धो के आपको ले चलते हैं मेले में, तब दिखाएंगे आपको मेला। अभी भतीजा आशीष स्कूल गया है, हिमांशु के किसी दोस्त का बर्थडे, हिमांशु गया वहाँ पे, जैसे वो लोग आते हैं उनसे भी मिलवाते हैं, और फिर शाम के टाइम पे हम जाएंगे। हमारी धुलाई वुलाई हो गई है जूतों की। सामने का व्यू देखिए, ये गोल्डफिश होटल है, घर के पास ही है। फिलहाल चलते हैं नीचे। अब हम जा रहे हैं नीचे, चलो नीचे वाले रूम पे चलते हैं, थोड़ा सा व्यू सुने। अभी एक काम और रह गया है, अभी उसकी शादी का पार्ट टू का पार्ट थ्री अपलोड करना है, फ्रेंड की शादी का, जो हमने अपने देखा होगा चैनल पे, दो वीडियो आ गई है, तीसरा पार्ट उसका बाकी है, उसको आज हम अपलोड कर देंगे और शाम को जाएंगे। स्कूल से तो अभी जा रहे हैं हम सूरजकुंड घूमने, ये आ गया स्कूल से तो मिलते हैं आपको सूरजकुंड में, तो चलो वो रेडी हो गया। पार्क में आने के लिए लगती है टिकट, जो हमने ले ली है 5-5 रुपए की, दो टिकट्स सुने मैंने, इसको भी पता नहीं था यहाँ टिकट लगती है मेरे को ले आया गेट पे, वो तो शुक्र करो ऑनलाइन हो गया यहाँ पे, नहीं तो घर जाना पड़ता है यहाँ से वापस पैसे नहीं लेके आए थे घर से, ऐसे घूम रहे। देखते हैं पार्क कैसा अंदर से, जहाँ की टिकट लग रही हो तो अच्छा ही होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा हो। अच्छा है भाई? हाँ बिल्कुल अच्छा है। तूने देखा है? हाँ मैंने देखा है। झूठ बोला फिर तेरे को क्यों नहीं पता पैसे बढ़ते एक साल बाद आ रहा हूँ, देखते हैं अच्छा होगा, आई होप अच्छा होना चाहिए, बढ़िया है। पार्क का नाम क्या है इसका? पार्क के नाम रिजॉर्ट्स है इसके अंदर, रिजॉर्ट है। बंदर भी घूम रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको, आपको भी दिखाते हैं सूरजकुंड पे पार्क, सूरजकुंड ही है ना, बढ़िया व्यू है। और इसने बेवकूफ़ बनाया हमको कि यहाँ पैसे नहीं लगते हैं, यहाँ पैसे लग गए, 10 रुपये खर्चा करवा दिया सुबह सुबह, सुबह तो नहीं है, 2 बज गई 3 बज गई है। देखते हैं आगे कैसा है पार्क व्यू। देखिए यहाँ पे अब मेला लगेगा शायद 19 तारीख को, उसे बता रहे हैं मेला, साफ सफाई चल रही है। अगली छुट्टी में, अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे, अगर छुट्टी हुई उस टाइम पे होली के बाद दिखाएंगे आपको अभी कैसा लगता है। मेरे ये देखिए झोपड़ियाँ बना रखी हैं, आपको जूम करके दिखा दूँ,
पूरी सेफ्टी के साथ आना पड़ता है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी है, मास्क वास्क लगा के अपने पैर में। कुछ तो कर रहे हैं। सूरजकुंड पार्क के बीच में, अभी आगे अंदर कुंड है, बोला यहाँ भी टिकट लग रही है तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर सस्ती हुई तो ज़रूर जाएंगे अंदर, अगर ऑनलाइन हुआ तो। ऐसे अगर यहाँ से भी ऑनलाइन हुआ तो अंदर जा सकते हैं, नहीं तो यहीं तक सफ़र होगा इस ब्लॉग का। देखिए मेरे पीछे है, काफ़ी अच्छा है व्यू, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बढ़िया व्यू है। वो देखो पीछे भी है, अंदर कुंड है लेकिन शायद अलाउ नहीं है अंदर जाना, अगर पूछते हैं टिकट वाले को। थोड़ा आगे तक गए थे, वो वापसी जा रहे हैं कि इधर कुछ नहीं है, आगे देखते हैं कुंड में जाएंगे, अगर कुंड तक जा सके तो। यहाँ काफ़ी शोर हो रहा है, कोई काम चल रहा है मेले का, और इसका ट्यूशन भी है, अभी ट्यूशन जाएगा 12th है, अभी बोर्ड है इसलिए अभी ट्यूशन जाएगा। मैं सीख रहा हूँ। तो ये है सूरज कुंड, जो असली कुंड है जिसके नाम से ये जगह फेमस है, एक कुंड है अंदर, ऐसे है तो है ही है, इसके साथ कुछ है नहीं ऐसा, बहुत प्यारा बना रखा है। यहाँ पहले पानी हुआ करता था, बोटिंग करते थे यहाँ लोग, यहाँ पानी होता था, पर सुना है पानी होता था यहाँ पे पहले लोग बोटिंग करते थे, अभी पानी वानी तो नहीं है केवल घास और पत्थर से। झरना भी बहता है यहाँ जब बारिश होती है। झरना कहाँ से बहता है? यहीं सामने से। झपट ना जाए फोन पे, क्या देख रहा है। देखिए